दोपहर के 3 बज रहे थे जब अचानक मेरी बीवी मेरे पास आई थी। मैं जो अपना मोबाइल चलाने में मशगूल था, अपनी बीवी के आने पर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ था। वो मुझे देखते हुए बोली, आपको मालूम है जिस कॉलेज में भाई साहब की बेटी पढ़ती है उस कॉलेज में एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है और करने वाला गार्ड है। आप भाई साहब से पूछें, हमारी गुड़िया तो ठीक है ना, और वो कहाँ है? वो कहीं उन बच्चों के साथ एहतजाज करने तो नहीं पहुँच गई? आपने न्यूज़ देखी है? वो मेरी तरफ़ देखते हुए सवालियाँ हुई थी, जबकि मैं अपनी बीवी को देखते हुए बोला, अरे क्या बोल रही हो तुम, अभी कल ही तो मेरी भाई साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने तो मुझसे सिलसिले में कोई बात नहीं की। अगर ऐसा कुछ वाक़या हुआ होता तो वो मुझसे ज़रूर कहते, मुझे नहीं लगता कि गुड़िया एहतजाज करने गई होगी। तुम्हें नहीं पता भाई साहब उसके एडमिशन के कितने ख़िलाफ़ हैं। मगर मेरी बीवी ज़िद करते हुए बोली, मैं कह रही हूँ ना, आप पूछें, मुझे बहुत मामला लगता बिगड़ गया है। आपको नहीं मालूम मुझे सब पता है, मैं लम्हा या लम्हा की तमाम अपडेट देख रही हूँ। अपनी बीवी के इतने दावे से कहने पर पहले मैंने अपना मोबाइल उठाया था, YouTube खोला तो सामने इस तरह की कितनी ही बेशुमार वीडियोज़ आई हुई थी, बच्चों का एहतजाज करना, उन पर लाठी चार्ज करना, और फिर उनका अंदाज देख के मैं इतना समझ गया था कि मामला वाकई काफ़ी ख़राब हो चुका है। मैं फौरन भाई साहब को फ़ोन करने लगा, न जाने क्यों मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हुआ। दिल में अनजाने खदशात ने डेरे ले लिए थे। पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया था और सलाम दुआ के बाद मैंने हाल अहवाल पूछा था। उनकी आवाज़ में अजीब सी उदासी थी, मैं उनका सगा भाई था, हम दोनों भाई एक दूसरे से अपने दिल की हर बात करते थे। मैं उनको टोकते हुए बोला था कि भाई साहब कुछ हुआ है क्या, आप काफ़ी उदास मालूम हो रहे हैं, सब खैरियत है ना? जबकि भाई साहब कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे, उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। मैं दोबारा बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप क्यों चुप हो गए? बोले, सब खैरियत है ना, हमारी लाडो तो ठीक है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अभी मैंने YouTube देखा है, न्यूज़ पर बता रहे हैं कि पंजाब कॉलेज में बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और करने वाला गार्ड है जिसका नाम ऑन है। असातिज़ा प्रिंसिपल और पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि बच्चे कह रहे हैं कि हमने अपनी आँखों से उस लड़की को स्ट्रेचर पर जाते हुए देखा है। हमारी लाडो को इस बारे में कुछ इल्म है? कहीं वो तो एहतजाज करने नहीं पहुंच गई? मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था, अजीब सी बेचैनी हो रही थी, दिल चाहता था बस भाई साहब के घर चला जाऊं और अपनी लाडो को अपनी आंखों से देख लूं। मगर आगे से कोई आवाज़ नहीं आई थी, मेरा दिल मज़ीद परेशान हो गया था। मैं बेसाख्ता बोला, भाई साहब क्या हुआ है, मैं आपका भाई हूँ, आपने मुझे औलादों की तरह पाला है। बोले, हमारी लाडो ठीक है ना? मैं मुसलसल एक ही बात की गर्दान कर रहा था, मैं उनका अपना था, और कहते हैं ना अपनों को पहले ही हर चीज़ का इल्म हो जाता है। भाई साहब की नम आवाज़ मेरे कान के पर्दों से काफ़ी देर के बाद टकराई थी, छोटे घर आओ, एक ज़रूरी बात करनी है। उनका लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था और मेरा भाई आज से पहले इतना टूटा हुआ मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था। मेरा दिल मज़ीद परेशान हुआ था, मेरी बीवी मेरे सामने ही बैठी मुझे सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने भाई साहब को हौसला दिया था कि आप परेशान ना हों, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जो भी मसला है हम दोनों भाई मिलकर हल कर लेंगे। मुझे नहीं पता था कि आखिर मामला है क्या, लाडो के साथ कुछ हुआ है या फिर कोई और वजह है। मैंने मोबाइल रखा था और अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोला था, मैं भाई साहब की तरफ जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना और कोई भी परेशानी हो मुझे फ़ोन करके इत्तला कर देना। जबकि मेरी बीवी बेसाख्ता बोली थी, मैं भी आपके साथ चलूँ? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे भाई साहब के घर कोई परेशानी हो गई है और वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन मैंने सर नफ़ी में हिलाया था कि अपनी बीवी की जानिब देखते हुए बोला कि जाने में कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी मलकियत हो, मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता है, तुम हमारे ख़ानदान की फ़र्द हो। लेकिन मैं माजरा चाहता हूँ, ना जाने क्यों मुझे लगता है जैसे भाई साहब अभी किसी को भी अपना मसला नहीं बताना चाहते। वो तो मैंने फ़ोन कर लिया इसलिए उन्होंने मुझे घर आने की तलकीन की है, कहीं तुम्हें देख के वो अपना मसला मुझसे बयान ही ना करें, इसलिए तुम यहीं ठहरो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेरी बीवी एक समझदार औरत थी, वो मेरी बात और हालत की नज़ाकत को समझ गई थी।
मैंने कपड़े तब्दील किए थे और बाइक निकालकर भाई साहब के घर की तरफ गामसन हो गया था। रास्ते भर भी मेरा दिमाग अजीब अजीब से ख्यालात में था। मुसलसल मैं अपने दिमाग में आने वाले तमाम खदशात की नफ़ी कर रहा था। नहीं, खुदा ना करे ऐसा हुआ हो, महज घर का कोई मामला हो। मैं बस दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था, लेकिन जो बातें मेरे दिमाग में आ रही थीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थीं। एक मुख्तसर मुसाफत के बाद मैं अपने भाई के घर पहुंच गया था, और जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो मुझे कब्रिस्तान जैसी वहशत महसूस हुई थी। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। मैं जब भी भाई साहब के घर आता था तो चहकती हुई हमारी लाडों मेरे सीने से आ लगती थी, और मेरे ख़ानदान की वो वाहिद थी जिसको कॉलेज तक जाने की इजाज़त दी गई थी, वरना तो किसी को भी कॉलेज तक जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। सब ने ही मैट्रिक किया था और फिर उनकी शादियां करवा दी गई थीं। मैं इस एडमिशन के बे इंतहा ख़िलाफ़ था। हाँ, मुझे मालूम था औरत का पढ़ना आज की दुनिया में बे इंतहा ज़रूरी हो गया है, लेकिन हमारे ख़ानदान में औरत का आला तालीम हासिल करना बुरा समझा जाता था। इसलिए मैंने अकेले में ही भाई साहब को समझाया था कि आप लाडों को बोलें कि वो आगे की पढ़ाई ना करें, एक मुनासिब रिश्ता देख के फ़िलहाल उसकी मंगनी कर देते हैं, जब उसकी उम्र हो जाएगी तो शादी भी कर देंगे। लेकिन लाडों की ज़िद की वजह से सबको खामोश होना पड़ा था। मैं कदम ब कदम चलता हुआ मज़ीद अंदर आया था, और लाउंज में जैसे ही मैंने कदम रखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गलत हो चुका है। मेरी आंखों में नमी आने लगी, हाथ कांपने शुरू हो गए थे। ये कैसा एहसास था मैं खुद नहीं जानता था। मैंने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी और मज़ीद अंदर की तरफ आया था। सामने सोफे पे भाई साहब अपना सर थाम कर बैठे हुए थे। मेरा कलेजा मुंह को आया था। मेरा भाई कभी मुझे इस तरह टूटा हुआ नज़र नहीं आया था, तो आज उसकी हालत ऐसी क्यों हो रही थी? मेरे दिल में मज़ीद खदशात ने डेरे लिए। मैं फ़ौरन अपने भाई के करीब आया था और उनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला था, क्या हुआ है भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं, सब खैरियत है ना? मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने मुझे देखा था और मेरे तवक्को के बरक्स वो मेरे सीने से लग गए थे। मेरा पूरा वजूद साकित हो चुका था। मेरा भाई कभी मेरे गले नहीं लगा था। महज हम दोनों भाई ईद के रोज़ ही गले मिलते थे, उसके अलावा हम दोनों के दरमियान एक झिझक सी थी। हाँ, हम दोनों के दरमियान एक बेहतरीन रिश्ता था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। कोई भी परेशानी होती थी तो मैं अपने बड़े भाई के पास ही आता था, और यही आलम उनका भी था। अचानक ही उनके आंसू मुझे अपने कंधे पे गिरते हुए महसूस हुए थे, और यही एक पल था कि मैं बेचैन होकर उनसे अलहदा हुआ था और उनको झंझोड़ते हुए बोला था, क्या हुआ है भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा बड़ा भाई ऐसा नहीं है, जो भी परेशानी है आप मुझे बताएं, मैं हल करने की कोशिश करूँगा, अगर पैसों की ज़रूरत है तो भी बोलें। मेरी बात पर उन्होंने मुझे देखा था और सर नफी में हिलाकर अपनी आंखें मूंद ली थी। मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने घर पे निगाह घुमाई तो लाडो के कमरे के दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। मेरे माथे पे बल आए थे। किचन की तरफ नज़र घुमाई तो भाभी भी घर पे मौजूद नहीं थी। ये सब क्या था? मैंने भाई साहब को एक बार फिर झंझोड़ा था और उनको अपनी तरफ मतवजो करते हुए बोला था, बताएं मुझे क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं, लाटो के कमरे के दरवाजे पे ताला क्यों है, भाभी कहाँ है, बस आप मुझे बता रहे हैं या नहीं? मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही भाई साहब भीगी आवाज़ में बोले थे, सर बर्बाद हो गया छोटे, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसा हम दोनों भाइयों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, मेरे हाथ कुछ नहीं रहा, हमारी लाडो बर्बाद हो गई है, उसके सर से चादर छिन गई है, हमारी इज्जत तो कौड़ी की रह गई है। मेरा पूरा वजूद सुन हो गया था। मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसी बातें करेगा। मैं जो किसी और लड़की का सोच रहा था, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरा ही खून, मेरी ही सगी भतीजी, मेरी लाटो थी। मैं तड़प कर बोला था, नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, हमारी लाडो के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हम भाइयों ने कभी किसी की बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। आंखों में आंसू आ गए थे जबकि मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा था और रोते हुए बोले थे कि नफ़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यही हकीकत है, उस दरिंदे ने हमारी बेटी पर रहम नहीं किया,
वो रोती रही, चिल्लाती रही, उसके आगे हाथ जोड़े, लेकिन उस बदबख्त को रहम नहीं आया। उसने अपनी हवस मिटा ली और उसे वहीं छोड़कर भाग गया। और वहाँ का स्टाफ इस बात को झुठला रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये लोग किस कदर फिरौन बन चुके हैं कि एहसास ही मर गया है, जबकि मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे जिस्म में जान ही बाकी ना रही हो। हाँ, वो मेरे वजूद का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मैंने कभी उसे अपनी बेटी से कम नहीं समझा था। मेरे लिए मेरे भाई की बेटी मेरी अपनी सगी औलाद जैसी थी। उसकी तकलीफ को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं जो किसी और की बेटी के बारे में भी सुनकर तकलीफ में आ जाता था, आज अपनी बेटी के बारे में सुनकर मैं मरने के मुतरादिफ हो गया था। मेरा भाई मजीद बोला, छोटे, अगर उन लोगों ने गुड़िया का नाम और उसकी तस्वीर इंटरनेट पर शाया कर दी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? माशरे में ये लोग तो हमें जीने भी नहीं देंगे। मैं अपने भाई को देख रहा था जो काफ़ी टूटा हुआ महसूस हो रहा था। मेरा बड़ा भाई बहुत मजबूत इंसान था। मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ बाप का इंतकाल हुआ था, तब मेरी उम्र बहुत कम थी। भाई भी ज़्यादा उम्र दराज नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। बहनों की शादी अपने हाथ से करवाई थी, अपनी शादी की थी, मेरी शादी करवाई थी, और आज जब एक और मसला उनके सर पे आया तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उनके कंधे झुक गए थे और आज मुझे मालूम हुआ था औलाद के मामले में माँ बाप हमेशा से बेबस हो जाते हैं। मेरा भाई भी बेबस हो गया था। वो चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा था और उसको अपने साथ लगाते हुए बोला था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। यह मसला कैसे हुआ, कब से चल रहा है? उन्होंने मेरी तरफ़ देखा था और धीमी आवाज़ में बोले थे कि तुम्हारी भतीजी एक हफ्ता अस्पताल में गुजार कर आ चुकी है। मेरी आंखें सुनकर बड़ी हो गई थीं। वो मजीद बोले, आईसीयू में रही है, आखिरी मौके पर डॉक्टर ने जवाब तक दे दिया था, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी थी इसीलिए ज़िंदा बच गई। और मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बेटी सही है, लेकिन इस माशरे का क्या करूँ जो मुझे ज़िंदा नहीं रहने देगा? मुझे पता है यहाँ के रहने वाले मुझे और मेरे ख़ानदान को बर्बाद कर देंगे। ये बच्चे जो मेरी बेटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कल को ये भी एक वक्त में पीछे हट जाएंगे। तब मैं क्या करूँगा? मैं ये मामला संभाल संभाल कर थक चुका हूँ। मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, छोटे, मैं ख़त्म हो चुका हूँ। मेरा भाई बोलते बोलते एक बार फिर तड़प के रो पड़ा था, जबकि मैंने उसे सीने से लगाया था और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला था कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें गुड़िया को हौसला देना है, अगर हम इस तरह टूट गए तो उसको कौन संभालेगा? हाँ, मैं मानता हूँ गलती हमारी है, काश हम उसको इजाज़त ही ना देते, लेकिन अब जो होना था वो हो गया है। इस तरह रोने से मसाइल हल नहीं होंगे। हम पुलिस में कंप्लेंट ज़रूर करेंगे, उस दरिंदे को मौत के घाट ज़रूर उतरवाएंगे। जबकि मेरे भाई ने फौरन नफ़ी की थी और मुझे देखते हुए बोले थे, पुलिस में कंप्लेंट करने का क्या मतलब है? अपनी बेटी की इज्जत को उछालना? जो भी चल रहा है चलने दो, हम मंजर आम पर नहीं आ सकते। वो लड़की साथ है, कल को अगले घर में भी जाएगी। अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन की तो बदनामी मेरी ही होगी, मेरा भाई बुलंद आवाज़ में बोला था, जबकि मैं जानता था कि वो किसको सुना रहा है। मैंने उसे खामोश करवाया था और काफ़ी देर तक हम उसके पास बैठकर उनको तसल्ली देते रहे। महज मेरे पास तसल्ली के अलावा और कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर के बाद भाभी परेशान सी कमरे से बाहर आई थी और मुझे अपने कमरे में देख कर एक पल के लिए घबरा गई थी, जबकि मैं उनकी तरफ देखते हुए बोला था कि परेशान नहीं हो भाभी, अल्लाह मेहरबान है, वो कभी अपने बंदों के साथ कुछ गलत नहीं करता, हमारी लाडों के साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। हलकान होने से मसाइल हल नहीं होते, हिम्मत करनी होती है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो वहीं बैठ गईं और फिर पुरदर्द लहजे में बोली थी कि आज तक हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तुम्हारे भाई ने भी हमेशा नेकी की, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो प्रिंसिपल कहती है कि मेरी बच्ची गलत थी, मेरी बच्ची का किरदार गलत था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, मेरी बच्ची बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। ये माशरा बहुत ख़राब है, हमारी बेटियां आज़ाद ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकती। उस रोज़ मोहल्ले की वो औरत मुझसे बोल रही थी कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर ये लड़कियां ऐसी सी जगहों पर जाएंगी तो मर्द तो गलत निगाह से देखेंगे ही,
आखिर मैं पूछती हूँ, इस माशरे से जगह तो स्कूल थी, कपड़े भी यूनिफॉर्म थे, यानी लिबास ठीक था, फिर भी मर्द ने गलत निगाह डाल दी, मेरी भाभी नम आवाज़ में मुझे देखते हुए बोली थी। छोटे भाई, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा अल्लाह इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा, इन लोगों को इबरत का निशान बनाएगा जिसने मेरी बेटी के साथ गलत किया है। अल्लाह उन सबको ख़त्म कर देगा, उसको नेस्तो नाबूद कर देगा। ये एक माँ की बद्दुआ है, ये लोग सुकून की ज़िंदगी नहीं बसर कर पाएंगे। उस कॉलेज का ओनर, उस कॉलेज के प्रिंसिपल गारत होंगे। जबकि मैं अपनी भाभी को देख रहा था, आज तक उन्होंने कभी अपने मुंह से बद्दुआ नहीं निकाली थी, बल्कि वो हर एक के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आती थीं। लेकिन आज उनकी बातें सुनकर मेरे जिस्म का रुआ रुआ कांप उठा था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। दिल चाहता था वो गार्ड मेरे सामने आए और मैं उसका कत्ल कर दूं। लेकिन इस माशरे ने हमेशा की तरह इंसाफ का कत्ल कर दिया था, सच्चाई पे पर्दा डाल दिया गया था। हैरान की तो मुझे इस बात पर थी कि पुलिस क्यों उन लोगों का साथ दे रही थी, आखिर क्या वजह थी। मगर मैं दिल ही दिल में इरादा मजबूत कर चुका था कि मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन अपनी लाडों को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। हाँ, उसका नाम मैं मंजर आम पर नहीं आने दूंगा, लेकिन जितना मेरी ज़ात से हो पाएगा मैं ज़रूर करूंगा। मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा था और उनके आगे हाथ फैलाते हुए बोला था कि मुझे गुड़िया से मिलना है, मुझे मिलने दीजिए। मेरी बात सुनकर वो बोली, रहने दो, वो तुम्हें देख के घबरा जाएगी, वैसे ही वो तुमसे और तुम्हारे भाई से बहुत डर रही है। मैंने सर झुका लिया था और मेरा दिल मज़ीद मलामत का शिकार हो गया था। मुझे अफसोस था कि हम भाइयों ने अपनी बेटियों के दिल में महज डर के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा था। मैं उनकी जानिब देखते हुए बोला, भाभी आप परेशान ना हो, मैं गुड़िया से कुछ नहीं बोलूँगा, बस थोड़ी देर से उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ कि वो कैसी है। मुझे मालूम था ये बात उसे पूछने वाली नहीं थी, लेकिन उसको हौसला देना बेइंतहा ज़रूरी था। मेरी भाभी ने मेरे भाई की जानिब देखा था जबकि वो इशारा करके अपने कमरे में चले गए थे। मैं मज़ीद परेशान हो रहा था, मेरा भाई मुझे बिल्कुल इस तरह अच्छा नहीं लग रहा था, उसका टूटना मेरे दिल पे कहर ढा रहा था। मैंने हमेशा उन्हें मजबूत देखा था, सबसे लड़ जाने वाला, अपनी करने वाला, लेकिन जब औलाद का मामला आया तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। भाभी ने चाबी लाकर मुझे दी थी और वो भी अपने कमरे में चली गई थी। मैंने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी और गुड़िया के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैंने ताले को अपने हाथ में पकड़कर चाबी लगाई थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं गुड़िया का सामना कर पाता। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला था, मैं इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता था, मुझे सब चीज़ें संभालनी थी। मुझे मालूम था अभी भाई और भाभी ठीक हालत में नहीं है, लाडो की भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाए। एक मैं ही वाहिद ऐसा था जो अभी हर चीज़ देख सकता था, समझ सकता था, हर कदम फोंक फोंक के रख सकता था, और उसके लिए मुझे महज हिम्मत करनी थी। मैंने ताला खोला था और कमरे में दाखिल हुआ था, जबकि सामने का मंजर देख के मेरे कदम जंजीर हो गए थे। हमारी गुड़िया जो हर वक्त हंसती खेलती रहती थी, वो सजदे की हालत में ज़ारो कतार रो रही थी, उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मेरा दिल भी रो पड़ा था, मैं वहीं दरवाजे के साथ बैठता चला गया था। वो सजदे में थी और अपने अल्लाह को पुकार रही थी। मेरे दिल से उस हैवान के लिए बेसाख्ता दुआ निकली थी कि उसको माफ़ी ना मिले, उसको सज़ा हर हाल में मिले, जिसने एक जीती जागती लड़की को जिंदा लाश बना दिया था, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद मेरी भतीजी सजदे से उठी थी और दुआ के लिए हाथ उठाए और नम आवाज़ में बोली थी, तू जानता है अल्लाह मैं बेकसूर हूँ, इसके बावजूद मेरे माँ बाप कहीं ना कहीं मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो प्रिंसिपल कहती है कि मैं गलत हूँ, या अल्लाह तू जानता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरे परवरदिगार मैं बेकसूर हूँ, मेरे माँ बाप ने माशरे के डर से मुझे कैद कर दिया है, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर होते हुए कैद हूँ, जबकि वो कसूरवार होकर आज़ाद घूम रहा है, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करना, उसको इबरत का निशान बना देना। मैंने कभी बददुआ नहीं दी, मगर अल्लाह आज तुझसे मैं भीख मांगती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ कि तेरे दर पे हम बेकसूरों के लिए कितना इंसाफ है। ये बोलकर वो भभक भभक कर रो पड़ी थी।
मैंने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी और कदम ब कदम चलता हुआ उसके करीब बैठ गया था। अपना बाजू उसके गिर लपेटा था जबकि वो यकदम चौंक गई थी और मुझे देखते ही उसकी सांसें रुक गईं, जबकि मैं भी इंतहा नॉर्मल बर्ताव कर रहा था। मैंने उसके माथे पे एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला था, ना मेरी गुड़िया घबराओ मत, तुम्हारे चाचू तुम्हारे साथ हैं, मुझे मालूम है मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। तुम्हें कैद नहीं किया गया है, महज तुम्हें तहफ़ दे दिया गया है। यहाँ रहने वाली आवाम बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर किसी को भी इस बात का इल्म हो गया कि यह हादसा तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम्हें ज़िंदगी भर ये अजाब झेलना पड़ेगा, इसलिए हौसला करो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। मेरी बात समझ रही हो ना? जबकि मेरी भतीजी बिल्कुल चुप थी। वो जो हमेशा मुझे देख के चहक जाती थी, मुझसे ढेरों ढेर बातें करती थी, आज उसके मुंह में जबान तक नहीं थी और मैं उसको इतना निढाल देखकर सौ मौत मरा था। मैंने उसके सर पे हाथ रखा था और मज़ीद बोला था कि अपने दिल में कोई मैल नहीं रखना कि वो अल्लाह तुम्हें इंसाफ नहीं दे रहा, उस अल्लाह ने तुम्हें इंसाफ दे दिया है। वो मजमा ये बताने के लिए काफ़ी है कि मेरी लाडो को इंसाफ मिल रहा है। वो ये वांट जस्टिस के नारे महज नारे नहीं हैं, वो ये बता रहे हैं कि तुम बेकसूर हो और वो ना हंजार शख्स कसूरवार है। उस अल्लाह ने इस पूरे इदारे को बदनाम कर दिया है, पूरी साख हिला दी है, सब कुछ मस्मार हो गया है, वो आदमी किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। तुम क्यों उदास होती हो? मेरे ये कहने की देर थी कि अचानक ही मेरी भतीजी मेरे गले से लग गई थी और हिचकियों से रोना शुरू हो चुकी थी। मैंने भी उसे रोने दिया था, एक बार ही उसका गुबार निकल जाता तो वो ठीक हो सकती थी। वो चीख चीख के रो रही थी, उसकी आवाज़ कमरे से बाहर तक जा रही थी। मेरे लिए उसको संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी उसको चुप नहीं करवाया था। मेरे भाई और भाभी कमरे में आ गए थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा था। मैंने उसका सर सहला रहा था और साथ साथ बोलता जा रहा था, मेरी लाडो को इंसाफ मिल रहा है, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। वो मजमा ये बताने के लिए काफ़ी है कि तुम अल्लाह के नज़दीक बहुत अहमियत की हामिल हो, उस अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल करना शुरू कर दिया है। वो रोते रोते मेरी ही बाहों में बेहोश हो गई थी। मैंने सबसे आंखें मीची थी और मेरी आंखें भी नम हो गई थी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे भाई भाभी भी ज़ारो कतार रो रहे थे। ये कैसा अजाब हम लोगों पर आया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी भतीजी को उठा के बिस्तर पर लिटाया था और उसके चेहरे पर पानी के चंद छींटे मारे थे। थोड़ी देर के बाद वो होश में आई थी और मेरा हाथ थामते हुए गुलू गैर लहजे में बोली थी, आप यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है। मेरी दोस्त बता रही हैं उन्हें धमकियां मिल रही हैं, किसी भी वक्त वो लोग हमारे घर पहुंच सकते हैं, इसलिए चाचू आप बाबा के पास रहना। मैंने सर अस्पात में हिलाया था और अपनी भतीजी का सर दबाते हुए बोला था, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों का इल्म है, मैं भाई साहब के पास ही हूँ, तुम आराम करो और हलकान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कैद नहीं किया गया है, महज तहफ़ दिया गया है जो तुम्हारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। जबकि मेरी भतीजी चुप हो गई थी, उसने कुछ नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे उसके सर से हिलाने लगा था, वो थोड़ी देर बाद ही नींद की वादियों में चली गई थी। मैंने भाई और भाभी की तरफ देखा था और ख़ामोशी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर मैंने अपने हाथों से उसके कमरे के दरवाज़े पर ताला लगाया था। अभी हम लोग लाउंज के सोफे पर बैठे उससे पहले ही दरवाज़े पर किसी ने ज़ोरदार तरीके से दस्तक दी थी। मेरे भाई साहब बुरी तरह घबरा चुके थे और जिस अंदाज़ में दरवाज़ा बजाया गया था उससे मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मुखबरी हो गई है। मैंने भाई साहब को लाउंज में ही ठहरने का बोला था और अकेले दरवाज़े की तरफ बढ़ा था। मेरा एक एक कदम मन मन भारी हो रहा था कि मुझे दरवाज़ा खोल देना चाहिए था या फिर वापस घर आ जाना चाहिए था, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, अगर इन लोगों ने दोबारा इसी अंदाज़ में दरवाज़ा बजाया तो आस पास के लोगों को भी इस बात की खबर हो जाएगी। मैंने गहरी सांस हवा के सपोर्ट की थी और दरवाज़ा खोल दिया था और मेरे सोचने के ठीक मुताबिक कुछ पुलिस अहलकार और प्रिंसिपल चंद असातिज़ा खड़े हुए थे। मैंने खामोशी से उन लोगों को अंदर आने की हिदायत की थी और एक तरफ खड़ा हो गया था। शुक्र था दोपहर का वक्त हो रहा था, उस वक्त गली में कोई नहीं था।
अगर कोई पुलिस और इतने सारे लोग हमारे घर के अंदर देख लेते तो न जाने क्या सोचते। तमाम लोग घर में दाखिल हो गए थे और मैंने फौरन ही दरवाज़ा बंद कर दिया था और उन लोगों को लिए मैं लाउंज में पहुंचा था जहां मेरी भाभी और भाई परेशानी से दरवाजे को ही देख रहे थे। पुलिस अहलकार मेरी जानिब देखते हुए बोला कि तुम लड़की के क्या लगते हो। मेरा दिल तो किया उन लोगों को घर से बाहर निकाल दूँ, लेकिन मैं माशरे की पावर से वाकिफ़ था इसलिए धीमी आवाज़ में बोला था कि लड़की का चाचू हूँ। अचानक ही उन तमाम पुलिस अहलकार ने अपनी अपनी बंदूकें संभाल ली थी मेरे और भाई की तरफ करते हुए वो लोग बेकाबू होने के करीब आ गए थे। मुझे और भाई को गिरेबान से पकड़कर सोफे पर धकेल लिया था जबकि लेडी कांस्टेबल ने मेरी भाभी को पकड़ लिया था और प्रिंसिपल मेरे भाई की तरफ बढ़ी थी और उसको देखते हुए गुस्से से बोली थी कि बहुत ही कोई ख़राब तरबियत की है आपने अपनी औलाद की, आपकी बेटी की वजह से हम सब बदनाम हो रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स हमारे ही खिलाफ़ खड़े हो गए हैं, आपको क्या लगता है ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आपकी बेटी को इंसाफ मिल रहा है, महज आपकी बदनामी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। मैं यहाँ आपको धमकाने नहीं बल्कि समझाने आई हूँ। मियाँ आमिर महमूद एक बड़ा नाम है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उनका उठना बैठना है और आपके लिए यही बेहतर होगा कि खामोशी से कल एक बयान रिकॉर्ड करवाएं कि आपकी बेटी घर में फिसलने की वजह से गिरी है, इसीलिए उसको आईसीयू में मुंतकिल करवाया गया था और हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेवजह हमारा नाम लेकर एहतजाज ना किया जाए, यही बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो झूठा केस बनवा कर पूरे ख़ानदान को अंदर करवा दूंगी। और रही तुम्हारी इस नाम नेहाद बेटी की बात तो उसकी बदनामी तो अब लाजमी होगी, उसकी तस्वीर भी इंटरनेट पर शाया होगी और उसका नाम भी सब में उछाला जाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम अकल से काम लो और वक्त से पहले सुधर जाओ, वरना जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। जबकि मैंने हैरान होकर उस प्रिंसिपल को देखा था। ये सब कहते हुए एक पल के लिए भी उनको शर्म नहीं आई थी कि मेरा भाई उस प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला था, नहीं नहीं, मेरी बेटी की तस्वीर या उसका नाम इंटरनेट पर शाया नहीं होना चाहिए, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पुलिस का कोई डर नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत ख़राब ना की जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर गुजरूँ। वो औरत मजीद बोली, शाबाश, मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है कि आपने बरवक्त दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपका ये ऐलान बहुत कारआमद साबित होगा और आपको इनामात से भी नवाजा जाएगा। ये बोलते ही उन्होंने नोटों का भरा हुआ ब्रीफकेस मेरे भाई की तरफ बढ़ाया था और उनको देखते हुए बोली थी कि ये ओनर की तरफ से हैं आपके लिए तोहफा, इसको इस्तेमाल करो, पढ़ने के लायक तो अब आपकी बेटी रही नहीं है तो उसको अच्छे से ब्याह कर अपने घर का कर दो, यही आपके लिए बेहतर होगा। और ये बोल कर वो मुस्कुराई थी और पीछे कदम उठाना शुरू कर दिए थे और पुलिस अहलकारों की जानिब देखते हुए बोली थी, कल इनका बयान ले लेना, अगर कोई भी मसला करने की ये कोशिश करें तो बिना सोचे समझे दोनों भाइयों को अंदर कर देना, बाकी मैं आगे देख लूँगी। ये बोलकर वो औरत ठहरी नहीं थी, जैसे आई थी वैसे ही चली गई थी, बल्कि हमें ज़िंदा मार गई थी। क्या हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के बजाय लोगों के सामने झूठा बयान देंगे, महज इस खौफ से कि अगर हमने ये बयान नहीं दिया तो हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी, हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमें जुर्माना अदा करना होगा। ये सोचकर ही मेरा खून खौला रहा था। मैंने अपने भाई की तरफ देखा था जो ज़ारों कतार रो रहे थे। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा था और नम लहजे में बोला था, यही हमारा माशरा है और यही हमारा कानून, हमें ये सब करना होगा वरना ये लोग पल लगाएंगे और हमारी बेटी की इज्जत को ऐसे उछाल देंगे जैसे उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। भाभी भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली थी, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो महज बदनामी और कुछ नहीं होगा। मैं अपने भाई के पास ही ठहर गया था, घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं घर पर क्या बताऊंगा। जब बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा तब पूरे ख़ानदान को पता चल जाएगा कि ये सोच ही मुझे मज़ीद हलकान कर रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था, तमाम मामला तय हो चुके थे कि कब और किस तरह हमें बयान देना है। मैंने ही पूरी कहानी अपने भाई को समझाई थी, हम बयान महज यही रिकॉर्ड करवाएंगे। किस सुबह कॉलेज के वक्त जब लाडो घर से निकल रही थी उसी वक्त उसका पांव फिसला था और कमर के बल गिरी थी और उसकी हड्डी टूट गई थी, इसलिए उसको आईसीयू में एडमिट करवाया गया है। ज़्यादा लंबा चौड़ा बयान देने की ज़रूरत नहीं है, महज छोटी सी बात करके
मामला रफा दफा कर देंगे। मेरे भाई ने भी यही सर अरसवात में हिलाया था और मैं तकरीबन रात के 10 बजे अपने भाई को हौसला दे के घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते भर भी मेरा दिमाग में यही सब गर्दिश करता रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। मेरी आंखों से आंसू निकलना जारी हो गए थे। मैं जो कब से जब्त किए बैठा था अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ था। मैं जिस तरह अपने घर पहुंचा था ये मैं और मेरा खुदा ही जानता था। मैंने सहन में अपनी बाइक पार्क की थी और मेरी बीवी दरवाजे पर ही खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने सवालों की बौछार कर दी थी। वो मुझे पानी का गिलास थमाते हुए बोली, क्या हुआ आखिर भाई साहब के घर, कौन सी परेशानी आ गई है जो वो इतने ज़्यादा आप दीदा हो रहे थे और अब आप आ रहे हैं। मैंने एक निगाह उसके वजूद पर डाली थी और धीरे धीरे तमाम दास्तान उसको बताने लगा था, जबकि मेरी तरह वो भी चुप हो गई थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो मुझे देखते हुए ग्लोगर लहजे में बोली कि गुड़िया तो बहुत अच्छी है, कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती, किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती। कई बार उसकी गलती पर मैंने भी उसे डांटा है, लेकिन उसने पलट कर कभी जवाब नहीं दिया, हमेशा सलीके से बात करती है, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। भाभी तो उसे इतना प्यार करती हैं, उनका मुँह नहीं थकता लाडो लाडो कहते हुए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो और उनकी बेटी इस तरह ये सब बर्दाश्त कर रही होंगी। और भाई साहब की मुझे अलग फिक्र हो रही है। मैंने सरस बात में हिलाया था और उसकी जानिब देखते हुए बोला था, बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम, भाई साहब भाभी और गुड़िया तीनों के ही हालात बहुत ख़राब हैं। वो जो हमेशा मुझे देख के चहक जाती है ना, आज वो मुझे देख के रो रही थी। मेरे हाथों की पली हुई हमेशा मेरे सीने से लगी जारों कतार रोते हुए मुझसे सवाल कर रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। और फिर उन लोगों का आना, धमकाना, ज़बरदस्ती बयान रिकॉर्ड करने का बोलना, ये सब मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। मेरे बस में होता ना मैं सब कुछ तहस नहस कर देता, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाता, लेकिन हम गरीब लोग हैं, शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, हम कोई कदम नहीं उठा सकते। अगर हमने कोई भी कदम उठाया तो महज बदनामी के अलावा हमारे सर कुछ नहीं आएगा, हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा। और जैसा वो लोग कहते हैं ना, हमें उनकी बात पर अमल करना होगा। मैं ये बोलते ही एक बार फिर रो पड़ा था। मेरी बीवी ने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला था और मेरा सर सहलाते हुए बोली थी, आपको हिम्मत करनी होगी, आप ही तो उनका वाहिद सहारा हैं जो उनको इस वक्त संभाल सकते हैं। मैं भी अभी कुछ नहीं कर सकती। मैंने सर को हल्की जुम्बिश दी थी और मेरी बीवी बिल्कुल ठीक बोल रही थी। उनके लिए हमदर्दी अभी महज तेज थी और मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी की ज़ात से मेरे भाई और भाभी को तकलीफ़ पहुँचे। वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल तरीन थी। मेरा पस नहीं चल रहा था कि मैं वापस अपने भाई के पास चला जाऊँ, उसके साथ बैठूँ, उसको हौसला दूँ। वो रात मैंने बहुत मुश्किल से गुजारी थी। सुबह होती ही मैं बिना नाश्ते के अपने भाई के घर के लिए निकल गया था। मेरी बीवी ने नाश्ता करने की तलकीन की थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं नवाला अपने हलक में उतारता। मैं घर पहुंचा तो मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक भाभी और भाई जागे हुए थे और लाउंज में ही बैठे हुए इसी बारे में बात कर रहे थे। मुझे देखते ही मेरा भाई खिल उठा था। उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी सुबह उनके पास पहुंच जाऊंगा। मैं उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा जब आप बयान देंगे। अगर वो कहते हैं कि ऐसा बोलो तो हम बोल देंगे। भाई साहब हम इज्जतदार घराने के लोग हैं, ज़रा सी बात पूरे ख़ानदान में फैल जाएगी। इस बयान के बाद तो न जाने किन किन के जवाब हमें देने हैं और सबको एक ही बात बोलेंगे कि हाँ हमारी लाडो गिर गई थी। मैं उन्हें हर बात हर्फ बहर्फ समझा रहा था ताकि उनको बाद में परेशानी ना हो। मुझे मालूम था जिस हालात से मेरा भाई गुजर रहा था उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगा कि वो किस तरह सब चीज़ें संभाले। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। भाभी के घर मैंने ही नाश्ता तनावल किया था और दिल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए चंद लुक्मे अपने हलक से उतार लिए थे। हमारे सोचने के बिल्कुल ठीक आम लिबास में दो लोग आए थे और मुझे मेरी भाई को अपनी गाड़ी में बिठा कर पुलिस स्टेशन ले गए थे। मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था, उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। हमने हमेशा इज्जत की रोटी खाई थी, कभी भी थाने का चक्कर नहीं लगाया था।
हम वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ जाने के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। हम जैसे ही थाने में पहुँचे हमें बहुत इज्जत दी गई थी, फ़ौरन ही हमारे लिए कुर्सियाँ मंगाई गई थी, पानी मंगवाया था। मैं हैरान हो रहा था कि हमें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। फिर ये सोचकर सर झटक दिया कि हमारा एक बयान उनकी ज़िंदगियों में सुकून ला सकता है, इतने सारे स्टूडेंट्स की आवाज़ दबा सकता है। जब आवाम को ये मालूम हुआ कि घर वाले ही इस हक़ में नहीं हैं कि कोई इंसाफ मिले, तो सभी ये समझ जाएंगे कि मामला इतना बड़ा नहीं है। लेकिन मेरा भाई ही जानते थे कि हम लोग किस तरह वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद ही एसपी सैयद शहरबानो नकवी वहाँ आई थी, उनके साथ कैमरा भी मौजूद था। आते साथ ही उन्होंने हम दोनों भाइयों को मुखातिब किया था। हम दोनों फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़े हो गए थे। वो हमें देखते हुए बोली थी, देखिए हमें मालूम है जो भी मामला हुआ है वो गलत है, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स तहलका मचा रहे हैं ये सब गलत साबित हो रहा है। लाठी चार्ज की जा रही है, वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मामला मज़ीद बिगड़ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो रहे हैं, कुछ बेहोश हो रहे हैं। अगर हर वक्त इन सब चीज़ों पर हम काबू नहीं पाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं आप लोगों के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी जानती हूँ कि आपकी बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन इस मजमे को रोकना है और बहुत ज़रूरी हो गया है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़कर महज प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। हाँ मैं कहती हूँ कि ये करना चाहिए ताकि बच्ची को इंसाफ मिले, लेकिन इस तरह नहीं। प्रोटेस्ट किया जाए लेकिन तमीज़ के दायरे में। आप लोगों का महज एक बयान बहुत चीज़ों को संभाल सकता है। मैं आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। जबकि मैं उस औरत का चेहरा देख रहा था जो किस तरह फिरौन बनी हुई थी, महज दिलासे देकर हमारी ज़िंदगी को तबाह कर रही थी। मैंने सर इस बात में हिलाया था और उस औरत की जानिब देखते हुए बोला था, जी आप ठीक बोल रही हैं, स्टूडेंट्स का ज़ख्मी होना हमारी नज़र में भी मायूब है, हम बयान देने के लिए तैयार हैं। वो मुस्कुराई थी और फ़ौरन ही अपना कैमरा मैन को हदायत की थी कि सब चीज़ें सेट करें। चंद पल का खेल था, हम दोनों भाइयों को कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया। लेकिन इससे पहले ही हम दोनों भाइयों ने मास्क पहन लिया था ताकि मसला ना हो। एसपी सैयद शहरबानो नकवी हम दोनों के दरमियान में खड़ी होकर मेरे भाई की जानिब देखते हुए बोली थी, तो आप सच सच बताएं कि मामला क्या है। जिस तरह स्टूडेंट्स हमला कर रहे हैं, जिस तरह से मामला बिगड़ते जा रहे हैं, आपका उन सब में क्या कहना है? आपकी बेटी का नाम लेकर ही सब एहतजाज कर रहे हैं, हम आपकी ज़बानी सब कहानी सुनना चाहते हैं। एक निगाह मेरे भाई ने मेरे वजूद पर डाली थी और बोलना शुरू हुए थे, एहतजाज जो भी हो रहा है वो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी का नाम लेकर जो एहतजाज किया जा रहा है वो गलत है। मेरी बेटी के साथ ऐसा वाक़या पेश नहीं आया है। सब स्टूडेंट से मेरी दरख्वास्त है कि ये एहतजाज रोक दिया जाए, क्योंकि ये महज बेबुनियाद है। मियाँ आमिर महमूद की बदनामी ना की जाए। मैं इस तालीमी इदारे की इज़्ज़त करता हूँ और आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी इज़्ज़त करें। इस तरह तोड़ फोड़ करके ये जाहिर ना करें कि हम सब पढ़े लिखे जाहिल हैं। मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो महज गिरने की वजह से आईसीयू में है और उसी वजह से दाखिल हुई थी और अब घर में मौजूद है। और ये बोलकर मेरा भाई खामोश हो गया था। उसकी ज़बान साथ देना छोड़ चुकी थी, उसकी आंखों में मौजूद दर्द ये बताने के लिए काफ़ी था कि मेरा भाई बोल तो झूठ रहा है लेकिन उसका दिल रो रहा है। हमारा महज एक बयान सब कुछ ख़राब कर रहा था। पुलिस वाले और मज़ीद लोग जो खिलाफ़ थे उनका पल्ला भारी हो चुका था। बयान होने के बाद हमें रोका जा रहा था, हमारी खातिर तवाज़ो की जा रही थी, लेकिन ना मैं रुका था और ना ही मेरे भाई ने रुकना ज़रूरी समझा था। हम दोनों ही खामोशी से घर आ गए थे। हमारा एक एक कदम मन मन भारी हो रहा था, कंधे झुके हुए थे। आज हमने सब गवा दिया था। मेरा दिल तकलीफ़ के मारे धाड़े मार मार के रो रहा था। मैंने अपने भाई की जानिब देखा था जिसको इस दुनिया से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया था। हमारी गलती ना होने के बावजूद हमें कसूरवार ठहराया जा रहा था। ये लम्हा मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक था। हम दोनों भाई एक साथ ही उनके घर में दाखिल हुए थे और जैसे ही लाउंज में आए तो सामने खड़ी अपनी लाडो को देख मेरा वजूद साकित हो गया था। वो नम आँखों से दोनों भाइयों को देख रही थी, उसकी आंखों में सवाल था, ये बयान क्यों दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है। और मेरी निगाहें झुक गई थीं जबकि मेरा भाई
अपनी बेटी की तरफ बढ़ा था और उसको अपने सीने से लगाते हुए बोला था, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह हमारा सब्र रायगा नहीं जाने देगा। अगर ये अवाम अकल रखती होगी तो महज इस बयान पर यकीन नहीं रखेगी, और मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह ने उन लोगों का तख्ता पलटने का सोच लिया है। जबकि मेरी बेटी दूर हुई थी और सर नफी में हिलाकर कमरे में बंद हो गई थी, जबकि मेरा भाई वहीं ढेर सा गया था। मैंने फौरन उन्हें संभाला था और भाभी की मदद से हम दोनों उन्हें कमरे तक लेकर गए थे, और मैं उनके पास बैठते हुए उन्हें तसल्ली देने लगा था कि मेरी ज़बान भी साथ छोड़ रही थी। मैं किस तरह उन्हें संभालता, मुझे भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर अपने भाई के पास बैठा रहा था। जब वो मुकम्मल नींद में चले गए तब मैं खामोशी से उठकर अपने घर की तरफ आ चुका था और दिल ही दिल में अपने अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मेरे भाई के हालात बेहतर हो जाएं। और कहते हैं ना, वो अल्लाह इंसाफ देने पे कादिर है। मैंने घर आकर जब न्यूज़ खोलकर देखी और वहाँ के एहतजाज में ज़रा बराबर भी कमी ना आते देखी तो मेरा दिल सुकून में आ गया था, क्योंकि एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और तमाम स्टूडेंट्स यक आवाज़ होकर बोल रहे थे, वी वॉन्ट जस्टिस। उसके माँ बाप डर में आकर ये कर रहे थे और मैं अपने अल्लाह के इंसाफ पर बे इंतहा खुश था। मेरी भतीजी के साथ जो हुआ था वो गलत था, लेकिन जवाब वहाँ पढ़े लिखे वाले स्टूडेंट्स को दे रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे। आने वाले नौजवान नस्ल के लिए ये नस्ल एक पैगाम छोड़ रही थी कि जो गलत करेगा उसको पकड़ा जाएगा, खामोश नहीं बैठा जाएगा, अंधा नहीं रहा जाएगा, और इंशाल्लाह मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है वो मेरी भतीजी को ज़रूर इंसाफ दिलाएगा, किसी भी सूरत ये नारा रायगा नहीं जाएगा। वी वॉन्ट जस्टिस।